तो बच्चों आपके पास में चार क्वेश्चंस हैं, जिसमें चार क्वेश्चन नहीं है, चार ऑप्शन है। हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शंस भी हो सकते हैं, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए कौन कौन हमारे डिक्रीजिंग होंगे। तो मैं कहता हूं आपके सामने, ठीक है, आप लोग मेरी गलती निकालो, सीरियसली आप लोग गलती निकालिए, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मैं लाइक करता हूँ इस बात को कि आप लोग गलतियां निकालती, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी गलतियां निकालते। तो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन को मैं वाई से रिप्रेजेंट करना पसंद करता हूँ। चारों क्वेश्चंस को अलग अलग करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट पर फोकस करते हैं। हमारे पास आया dy by dx, क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत शायद नहीं पड़ रही, बाकी अभी देख लेंगे एज पर नीड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास है माइनस का साइन एक्स। अब आप ये देखिए, जो ये जो गिवन हमारे पास इंटरवल है, इस इंटरवल में dy by dx कैसा होगा? भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तो नेगेटिव है, इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जितना कि अब तक आया, तो हम ये कह सकते हैं देयर फोर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। एग्री करते हो इस बात से बच्चों? क्या आप लोग इस बात से सहमत है सभी बच्चे? धन्यवाद, ये सब बच्चे कह रहे हैं हम लोग पूरी तरह सहमत हैं, ये बात जायज है। चलो अब कुछ और देखते हैं, अब कुछ और देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए, तो सेकंड पार्ट में बच्चों वी हैव कॉस 2x। अभी 2x पर अगर मैं बॉक्स लगाऊं चेन रूल के हिसाब से, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक बात है। अब आप ये देखो बच्चों, तरीका समझना, यहां पर ये क्वेश्चंस की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस कम होती है, बट अगर इन क्वेश्चंस को हम करना सीख जाते हैं, तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आसान होने शुरू होते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा आप, जरा बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई जल्दबाजी नहीं आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप ये देखो, अगर मैं एक्स की जगह 0 लिखूंगा, रफ में बता रहा हूं, तो हमारा डीवाई बाई डी एक्स 0 तो रख ही नहीं सकता, 0 से बड़ा कुछ भी रखूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, चाहे 1 डिग्री रखो चलो, और इनटू में 2 भी तो है। टू इंटू 1 डिग्री, ठीक है जी। ये मैंने क्या रखा, जब मैंने रखा एक्स की जगह 1 डिग्री, और लास्ट लास्ट ये वैसे तो आपका 90 डिग्री, 90 में रख नहीं सकता, तो लास्ट से लास्ट में कहां तक लेके जा सकता हूं, 89 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 89 ले लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, बता दीजिएगा, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? तो ये आ गया मेरे पास 2 sin 178 डिग्री। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाहर नेगेटिव है, ओवरऑल वैल्यू कैसी आई बच्चों? नेगेटिव आई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, ओवरऑल अभी भी कैसी आई? नेगेटिव।
तो हम ये कह देंगे दिस होल क्वांटिटी इज नेगेटिव क्वांटिटी। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ 89 लिख रहे हैं बेटा, कोई बात ये देखो, ये बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बताओ। ये जो साइड में करा है ना, ये शो नहीं करना है वहां पे, ये वहां पे आपको शो नहीं करना है। इंटीग्रल एंगल तो कन्वीनियंट की वजह से लिए, अदरवाइज हमें 89.9 भी ले सकते थे, 89.999 भी ले सकते थे, ओके 90 से छोटा कुछ भी ले सकते थे, कुछ भी, बट फॉर कन्वीनियंस वी टुक 89 डिग्री। इज दैट फाइन? छोटी से छोटी बात पूछो, छोटी से छोटी बात जो आपको ऑब्जेक्शनेबल लगती है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट इन दोनों से सेम ही वैल्यू आएगी तो भी वो डिक्रीजिंग है। हाँ ठीक है भाई, आप ये देखो कोई ग्राफ ऐसा है मान लो, और आपने उसे यहां से यहां तक ऑब्जर्व करा है, तो डिक्रीजिंग ही आएगा ना बेटा। सर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आता तो फंस जाते हम भाई यतिन, फिर तो हम फंस जाते बुरी तरह से, क्योंकि फिर क्रिटिकल पॉइंट भी चाहिए होता हमको। चलो अब मैं आपको, आपने जब ये डाउट पूछा है ना इतना प्यारा, तो अब मैं आपको कुछ बताता भाई। श्री यतिन शर्मा जी के लिए मैं मन से ताली बजा रहा हूँ, खुश होके, इन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी। एक काम करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है भाई, ये मेथड हम लोग को आता है भाई। क्या हम लोग इस मेथड को जानते हैं कि नहीं जानते हैं बताओ? क्या हम इस मेथड को जानते हैं बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट निकालने वाला? सर कैन वी रिलाई ऑन आंसर फ्रॉम टू वैल्यूज इन ट्रू? बिल्कुल, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ अंश, आपका डाउट भी यकीन की जैसा ही है। तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल के डिसाइड करेंगे। हमने इसे 0 रखा, हमारे पास आया 2 sin 2x, ठीक है। अब साइन 2x 0 के इक्वल आ गया बच्चों। अगर साइन 2x 0 है तो साइन की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0 डिग्री हो सकता है बेटा, साइन 180 डिग्री हो सकता है ना, साइन 360 डिग्री हो सकता है। और जो जो बच्चे ओपी लेवल पे है वो पता है क्या बोलते हैं, ओपी लेवल वाले क्या बोलते हैं इसे देखते ही? बताओ बताओ कौन बोलेगा, है कोई ओपी लेवल? यस 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 यस, आ गए ना, देखो बहुत सारे बच्चों ने अपना ओपी लेवल शो कर दिया है। ओपी लेवल उनका यह है, वो कहते हैं कि सर व्हेनेवर साइन थीटा इज 0, नाम भी ले लो उनके नाम भी ले लेंगे उनके, तो वो हो जाता है साइन एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। दिस इज ओपी लेवल। और अगर ओपी लेवल नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ओपी होना जरूरी नहीं है लाइफ में। चलो मैं बता देता हूँ भाई, ये हमारे जो ओपी वाले बच्चे थे, ये थे सबसे पहला बच्चा था एसपी शिवम पाराशर, हर्षित मित्तल, मिशिता जैन। इन तीनों बच्चों ने इमीडिएटली अपना ओपी लेवल शो करा, वो बता दिया। लेकिन अगर नहीं भी है तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात से, बस यह है कि हाँ कंसेप्ट की क्लैरिटी, कंसेप्ट की क्लैरिटी। विनय एग्री बेटा, एग्री, आपकी बात सही है। कंसेप्ट की क्लैरिटी है कि भाई जब भी साइन 0 होता है तो थीटा मल्टीपल ऑफ पाई होता है, दिस इज ओओपी। और भी ऊंची बात, इसे अगर आप ऐसे बोलो ना, मल्टीपल ऑफ पाई होता है। इसी बात पे बेटा, अगर अगर बच्चे देखो, बाकी बच्चे भी चाहते हैं कि भाई वो भी फटाफट इन चीजों को सीखें। अरे व्हाट्सएप भी चेक करने पड़ेंगे क्या अभी पढ़ाते पढ़ाते? इसका ग्राफ ऐसे बना है, तब भी ये डिक्रीजिंग है ना, तब ये डिक्रीजिंग नहीं है, लेकिन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक कंसीडर हो रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, अगर अगर कॉस थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू होती है 2
एन प्लस वन पाई बाई टू, या और बेटर तरीका होता है बोलने का, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। ये बातें कभी हम बताते रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी। वैसे तो 11th की बात है, पर 11th में ये लास्ट ईयर आई नहीं थी ढंग से, तो ये एक्स्ट्रा बात रही। इस बात को हम एक्स्ट्रा में रखेंगे। बट ये बात तो समझ में आती है ना भाई, ये बात तो क्लियर है कि नहीं है? अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं, हो सकता है मेरी गलती रही हो यश, अभी देखते हैं। देखो ये आ गया, तो आप ये देख सकते हो 2x की वैल्यू क्या आई, 0 भी आई, 180 भी आई, 360 भी आई, और भी आ सकती थी। तो x की वैल्यू 0 डिग्री आई, 90 डिग्री आया, 180 डिग्री आया। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि क्या, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, ये बता दो जल्दी से। सब सही में आ गया। चलो सर, सीपी क्या होता है? सक्शन। बेटा तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। क्रिटिकल पॉइंट, हर्षित मित्तल ऐसे मत लिखो। तुमसे ऐसी उम्मीद थी नहीं मुझे। लॉकडाउन का असर साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारे ऊपर। अब आप ये देखो बच्चों, जिस इंटरवल की उन्होंने बात की है भाई, जिस इंटरवल की अंकल जी ने बात की है, अंकल जी किताब छापने वाले अंकल जी, जिस इंटरवल की उन्होंने बात की है, उस इंटरवल में, इस इंटरवल में क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट आया है? बताओ क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट आया है? भाई क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 90 है, 180, क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट आया है? नहीं आया ना क्रिटिकल पॉइंट। दैट मींस बच्चों, 0 और पाई बाई टू के बीच का कोई एक एंगल ले लो, कोई एक। अच्छा अभी अभी एक बात बोली एक बच्चे ने, हंस गौड़, ये कह रहे हैं सर ओनली एंड पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट। भाई अगर इन्होंने 0 को लेने की परमिशन बोली होती, 90 को लेने की परमिशन बोली होती, तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो सकते थे। पर अब ब्रैकेट देखो कैसे लगा है, ब्रैकेट देखो, ना 0 ले सकते ना 90 ले सकते, आप इनके बीच की कोई वैल्यू ले सकते हो। अब बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, तो कोई एक एंगल ले लो, 45 रख दो, यहाँ पुट करा, यहाँ पुट करा, और यहाँ पुट करके देखो 45 डिग्री, यहाँ पुट करके देखो 45 डिग्री, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आई कि नहीं आई? ओके okay. हम बोलेंगे आपकी बात का जवाब दें, ठीक है? नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? आ रही है ना, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, दो में डिक्रीजिंग आ गया। इसी बीच हमारे माननीय सदस्य श्री कहाँ चले गए, शिवम, कह रहे हैं सर आपने कहा था कि ब्रैकेट पर भी ध्यान मत दो, तो मैं अभी भी कहता हूं मत दो। 0 होते या ना होता, पाई बाई टू होता है ना होता, ये डिक्रीजिंग तो आता ही। इसके बाद अंश गौड़ की अपनी रिएक्शन ही आ रही है कि सर अगर 0 को इंक्लूड करेंगे और पाई बाई टू को इंक्लूड करेंगे तो थ्रू आउट द इंटरवल ये पॉजिटिव रहे। सॉरी एक मिनट, मैं बात करके दिखाता हूँ यहाँ पे।
इस पूरे इंटरवल में नेगेटिव रहेगा और क्रिटिकल पॉइंट पर ये जीरो हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जा रहा है जीरो से पाई बाय टू, तो असलियत में आंसर बनता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर ये बोला जाए तो आप देख रहे हो इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, तो यहाँ पे जस्ट डिक्रीजिंग माना जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माना जाएगा। अब आप लोगों के विचार पढ़ते हैं, जिसको जो पूछना है पूछते चलना, ये बहुत अच्छे मौसम चांस गोल्डन चांस है बिल्कुल, यानी रेंज से बाहर ये सारा इंक्रीजिंग है, नहीं सारा नहीं कह सकते, हो सकता है इंक्रीजिंग हो, होगा। सर साइन का इंटरवल तो जीरो से 180 है ना, तो उसका ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग कैसे हुआ? ना ना, आप साइन का ग्राफ तो देख रहे हो, यहाँ पे 2x भी तो देखो, इंटरवल का भी तो देखो, पीरियोडिक फंक्शन, उसकी पीरियोडिसिटी कम हो गई, 2 से डिवाइड भी तो हो गया बेटा, भूल गए ये बात जब पीरियोडिक का बताया था, पीरियोडिक ग्राफ में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, याद आई बात? जब तुम इतनी डिटेल में जा रहे हो बेटा, तुम मुझे छेड़ोगे, मेरे को मुझे मजबूरन बतानी पड़ेंगे वो बातें, मुझे पता है जिन्हें सुन के तुम लोगों को अच्छा फील नहीं होता है। जीरो से पाई बाय टू पे चलते हुए डिक्रीजिंग फंक्शन तो हो गया ही, अगर माइनस टू लगेगा तो सर इसका ग्राफ प्लॉट करना बेटा, ग्राफ अरे कॉस टू एक्स में ऐसा करवाओगे? रुको, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, कहाँ जाऊं? ग्राफ वाली ऐप पर तो जाना पड़ेगा, मुझे देखना तो पड़ेगा किधर है वो, एक मिनट रुको, तभी बच्चे ग्राफ ग्राफ को कह रहे हैं जरा, एक मिनट रुको, लेट मी अंश शाबाश, ग्राफ वाली ऐप पर तो जा रहे हैं अभी, इतनी मेहनत करवाओगे तुम मुझसे आज, चलो देखो भाई, बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा नहीं मानेंगे, बताओ उनको cos 2x क्या ये क्या मैम, एक बार जरा यहाँ भी देखो, कुछ फंक्शन वगैरह होते थे, लो जी ठीक है, एक मिनट जगह बनाओ थोड़ी सी, जगह कम पड़ जाती है हमारे पास, आपको तो सब बढ़िया दिखता है, इसमें जरा सेटिंग चेंज करते हैं, माइनस साइन टू एक्स का क्यों प्लॉट करेंगे भाई, डिक्रीजिंग किसको चेक कर रहे हो, कॉस टू एक्स को, साइन टू एक्स तो उसके स्लोप का ग्राफ है, भाई आप क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन तो cos 2x है ना, sin 2x तो उसके डेरिवेटिव से आया, तो ग्राफ तो आपको यहीं से चेक करना पड़ेगा ना, ये देखो sin x जैसा ही होता है cos का ग्राफ, लेकिन वो स्टार्ट ऊपर से होता है, मैं तो जरा इसकी सेटिंग चेंज करने की बात कर रहा था कि यस डिग्री में ले ले, रेडियन में तो आएगा नहीं, डिग्री में ले लेते हैं अब, ठीक है ना, अरे डिग्री में तो बहुत छोटा हो गया, नहीं नहीं डिग्री में नहीं पता पता चलेगा इसका, सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, ये देख लो क्या हो गया, जीरो कहाँ चला गया, एक मिनट हो गई, अब तुम लोगों को पता भी चल रहा है इसका, नहीं पता चल रहा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, चलो
एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें इसे देखना कैसे। कईयों को तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा, देखूं क्या मैं इसमें? सबसे बताओ ये देखना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो हमें कहां से कहां तक देखना था, ये है आपके कॉस्ट टू एक्स का ग्राफ, ये कॉस्ट टू एक्स का ग्राफ है ठीक है। और जो कॉस्ट टू एक्स का ग्राफ है बच्चों, उसमें टू एक्स का मतलब क्या भाई? टू एक्स का मतलब ये इसका ग्राफ है। पहली बात आप देखो, एक्स की जगह जीरो डाल के देखो तो क्या ये कॉस जीरो आ जाएगा? आंसर वन आ जाएगा ठीक है। चलते गए चलते गए चलते गए, ये 1 रेडियन है। 1 रेडियन का मतलब होता है अप्रोक्स 57 डिग्री ठीक है। और ये यहाँ पे नीचे कहाँ पे आ रहा है? ये 45 डिग्री है यहाँ पर ठीक है। फिर ये आ गया आपका 1.7 के आसपास, मतलब पाई बाई टू। अब आप जरा देखना जीरो से पाई बाई टू पूरे एरिया में, देखो जीरो से पाई बाई टू में क्या हो रहा है, क्या ये डिक्रीजिंग है कि नहीं है भाई? ग्राफ किस चीज का ऑब्जर्व करना है? ग्राफ तो कॉस का ऑब्जर्व करना है ना। डेरिवेटिव तो हेल्प करता है बताने में कि ये आएगा क्या, लेकिन प्लॉट तो कॉस का ही ग्राफ होगा ना। अब बताओ स्क्रीनशॉट ले लिया जाए ऐसे मूवमेंट का? सर स्टिकली अभी समझा देंगे, बिल्कुल अभी समझा देंगे, समझ में आ गया? चलो भी इसे हटा दूं मैं यहां से, अब जरा अब अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं ठीक है। चलो जी, इसमें मैक्स और इनवा भी होगा? नहीं, मेहनत की कोई बात नहीं है, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ देखो अभी, लेकिन अभी इस चक्कर में हमारा वो लिखा हुआ सब चला गया भाई, लिखा हुआ चला गया सर। भाई देखो सारे प्यारे बच्चों, एक एक्स्ट्रा चीज आज आपको सिखा देते हैं। वैसे तो एक बार पहले भी बताई हुई है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड सिंपली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर आपका डीवाई बाई डी एक्स, बिल्कुल स्लो के सुनते हैं, बिल्कुल स्लो के भाई, डीवाई बाई डी एक्स क्या क्या आ सकता है बच्चों? क्या क्या आ सकता है वो देखते हैं, क्या क्या आ सकता है? आपका डीवाई बाई डी एक्स अगर प्योरली पॉजिटिव ही आ रहा है, जीरो हो ही नहीं रहा कहीं पे, तो ये होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर डीवाई बाई डी एक्स प्योरली, मतलब एक भी जगह ऐसी नहीं है, हर जगह नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन इंटरवल में या तो पॉजिटिव आ रही है या जीरो आ रही है, तो ये सिंपली इंक्रीजिंग होगा। और अगर डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों ऐसी आ रही है, तो ये सिंपली डिक्रीजिंग। पहली बात तो ये समझ में आई कि नहीं आई भाई? देख लो आप जरा, क्या ये समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं इसको जरा। आपने डीवाई बाई डी एक्स निकाला था भाई, जब पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, जब नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग ठीक है अर्जुन? चलो सुनो, अब
क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आ रहा है, और अगर एक ही क्वेश्चन बार बार करा जाए और उसमें जुड़े हुए छोटे छोटे फैक्ट्स आपको बताए जाए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, फोर क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, dy बाय dx को 0 रख लेंगे। वैसे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0 रखने का सिस्टम होता है, बट अभी इतनी कंफ्यूजिंग बात नहीं करते हम आपके सामने, हमने सिंपली 0 रखा। ये बी पार्ट कर रहे हैं बच्चे, बी पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो साइन 2x हमारा 0 हो गया। और 0 कब कब आता है, 0 पे आया, 180 पे आया, 360 पे आया, और चलता चलता x की वैल्यू 0 आई, 90 आई, 180 आई, चलती चलती। ठीक है, अब जो आपको इंटरवल गिवन है बच्चों, जो इंटरवल गिवन है क्या उसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है आपका? जो इंटरवल गिवन है, पर इंटरवल कहां से कहां तक गिवन है? जीरो से 90। देखो, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी ग्राफ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने का पता लगाते हैं। उस प्रोसेस में क्वेश्चन ये होता है, और हम पता dy बाय dx से लगाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव के होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीज। हर्षित समझ में आई बात? हम साइन 2x की बात कर रहे हैं, हमने साइन 2x पे क्रिटिकल पॉइंट लिए। अब आप ये देखो बच्चों, अब आप ये देखो कि हमें सिर्फ इस इंटरवल के बारे में सोचना है। तो इस इंटरवल में कोई क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, इसका मतलब यह है कि पूरे इंटरवल में एक जैसी नेचर रहेगी, नेचर चेंज नहीं होगी। क्रिटिकल पॉइंट नहीं है मतलब नेचर चेंज नहीं होगी। तो 0 90 के बीच का कोई भी एंगल लो और उसे यहां पुट करके देखो, क्या आपको नेगेटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट है, अगर आप इसे पुट करोगे देखो आपका आंसर 0 मिलेगा। 90 क्रिटिकल पॉइंट है तो आपको आंसर 0 मिलेगा। 90 पुट करके देखो बेटा, यहाँ देखो x की जगह 90 पुट करो। अगर आप x की जगह 90 पुट करोगे तो ये साइन 180 हो जाएगा और ओवरऑल आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 पुट करोगे तब भी 0 हो जाएगा, 90 पुट करोगे तब भी 0 हो जाएगा, बीच का कुछ भी पुट करोगे नेगेटिव हो जाएगा। हर क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू हमेशा 0 आती चली जाएगी। अब आप ये देखो कि उन्होंने हमसे जो पूछा है वो पूछा है 0 और 90 के बीच के लिए, ये ओपन ब्रैकेट है, तो इस पूरे इंटरवल में तो ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। देयरफॉर आवर ग्राफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो आप देखो फिर इसकी वैल्यू क्या आती, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। फिर तो लेस देन इक्वल टू 0 आती, तब ये ओनली डिक्रीजिंग होता। अब बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई किसी तरह की कोई समस्या बची?
एक बात और बतानी है मुझे आपको, एक बात और बतानी है बेटा अलग से। एक बात बताओ सोच के, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये बात तो बिल्कुल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आती है कभी समझने में। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे? क्यों भाई, आई बात समझ में? अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे, जल्दी जल्दी बताओ। क्या हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पर आंसर 0 आता है? नो नो भूमि नो, यही तो बात आई है क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताए जाओ। अंश सही आंसर, मुशिता करेक्ट आंसर। सारे बच्चे बताओ, पता लगेगा मुझे। सक्षम बेटा, लॉकडाउन के फायदे उठा रहे हो तुम। एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 0 रखने से जो आ रहा है वो सब होंगे। -2 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, लेकिन डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स को कभी 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 नहीं यूज कर सकते। मेरी बात सुनो, इनको पुट कभी नहीं करेंगे, मतलब हम इन्हें कभी इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट होंगे। बेटा मैंने भी नहीं रखा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि -2 क्रिटिकल पॉइंट है बट कैन नॉट बी यूज फॉर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मुझे पता था ये क्वेश्चन कभी नहीं मिलता, ये क्वेश्चन कभी मिलेगा ही नहीं आपको देखने को आराम से। ये तो बनाया गया है अभी अभी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 रखकर जो हमें मिलता है वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। हम ये नहीं कह रहे कि हम क्रिटिकल पॉइंट पर नेचर चेक करेंगे, क्योंकि इन पर तो ना नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव आएगा, इनमें तो नॉट डिफाइन आएगा आंसर। इन्हें तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं ना बाद में फिर, लेकिन ये इंटरवल को ब्रेक करने में काम आएंगे। ये इंपॉर्टेंट समझो, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स भी इंटरवल को ब्रेक करने में काम आएंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आई एम टेलिंग, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। यहां से नेचर चेंज हो रही है। ठीक है, ओके सर, आ गई बात में, नहीं आई तो इनकी भी जरूरत पड़ती है। अभी आ नहीं रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एक्चुअली कंसेप्ट क्या है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको। आ जाओ इसके सी पार्ट पे। अब बिना बोले भी काम चल सकता है, देखो क्वेश्चंस की नेचर ऐसी है कि बिना बोले भी काम चल सकता है।
क्या होता है ना कि जैसे छोटी क्लासेस में आपको ये नहीं बताया गया था कि ये गलत है, उसी तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए न्यूमरेटर वाली बात बताई जाती है, डिनोमिनेटर की बताई नहीं जाती। फिर बाद में आप लोग भी हमें भी कहते कि हमें भी नहीं बताई ये बात। ठीक है, ये आ गए हमारे पास, देख रहे हो। मैंने आपको पहले कहा था क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स को आपके सोचने के लेवल को बहुत ऊपर ले आता है बेटा। 0 आया, 5/3 आया, 2π/3 आया, ठीक है। क्या गिवन इंटरवल में, क्या गिवन इंटरवल में हमें मिल रहा है कुछ, कोई क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है ना आपकी बात? आपके पास मिल गया आपको? भाई देखो सिचुएशन ये है कि हमें सोचना है 0 और π/2 के बीच में, और एक वैल्यू हमें ऐसी मिल रही है, एक वैल्यू हमें ऐसी मिल रही है π/3 जो आपके इंटरवल में आ रही है। इसका मतलब आपकी बार नेचर में चेंज होंगे। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, मिक्स होगा बेटा, नेचर में चेंज आएंगे। कैसे आएंगे वो सुनते हैं, नेचर में चेंज कैसे आएंगे इन्हें समझते हैं। देखो एक तो हम ये देखेंगे और एक हम देखेंगे ये, बड़े आराम से बेटा, बिल्कुल जल्दबाजी में समझनी चाहिए, आराम से समझनी, आराम से एक ही समझो, अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन एक समझ में आ गया ना बहुत कुछ समझ में आ जाए। देखो 0 और 60 के बीच का कोई एंगल सोचो, कोई एंगल, कोई भी सोचो। लो मैं अजीब सा सोचता हूँ, 0 और 60 के बीच में मैंने अजीब सा सोचा, 45 तो बहुत प्यारा एंगल है, कोई और घटिया सा एंगल सोचा, 20 डिग्री सोचा, 20, 25, 21, 19, 17, 17 सोचू? चलो 17 सोचू, फिर तो मैं फंसूंगा ना, 17.5, 17 लो, ठीक है, फिर तो मैं फंस जाऊंगा। अब मैं कैसे करूंगा? और इसे पुट करेंगे हम dy/dx में, तो -3 आएगा, और देखिए जरा sin 51 डिग्री आएगा। एग्री या नॉट एग्री, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, आएगा कि नहीं आएगा? और sin 51 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है कि नहीं है बताओ? sin 51 पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। ऐसे सोचते हैं, वैल्यू के बजाय साइन सिस्टम पे वर्क करते हैं हम लोग। अभी ये 60 है, ये 90 है, इसके बीच में मैंने 63 डिग्री सोच लिया, रखो 63 थीटा, sin 189, sin 189 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो पहले ही नेगेटिव है, इनटू में नेगेटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव हुआ कि नहीं? तो 0 से π/3 में ये डिक्रीजिंग है और यहां पे ये इंक्रीजिंग आ जाएगा।
बताओ भाई, आप समझ में आया क्वेश्चन नहीं आया बताओ जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पोल करना है? किस बात का पोल करना है? अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? तो सर हम इस पूरे फंक्शन को डिक्रीजिंग कैटेगरी में रखेंगे? ना ना ना, कोई फंक्शन कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है ये देखा जाता है ओवरऑल। सुनो एक बार बताओ, किसी बच्चे को पूरी तरीके से नालायक कह देना सही बात है? भाई कुछ बातों में वो गलत हो सकता है लेकिन कुछ बातों में वो सही हो सकता है। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि आप उसकी कौन सी क्वालिटी को चेक कर रहे हो। पढ़ाई में अच्छा होना एक क्वालिटी है, बातचीत में अच्छा होना एक अलग क्वालिटी है, फ्रेंड्स के लिए अच्छा होना एक अलग क्वालिटी है, ठीक है, ड्राइंग में अच्छा होना एक क्वालिटी है, बहुत तरह की चीजें होती है। सी पार्ट इंक्लूडेड नहीं माना जाएगा ना, इंक्लूडेड नहीं माना जाएगा क्योंकि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग माना जाएगा, ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन होगा। अब आया नेक्स्ट, टेन एक्स की बात कर लेते हैं। अब ये बताओ स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी भी घटिया हो कितनी भी घटिया हो, जीरो से कम तो हो ही नहीं सकती, तो जीरो होगी या उससे बड़ी होगी, तो हमारा डीवाई बाई डी एक्स तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, ये डिक्रीजिंग हो नहीं सकता, ये मिक्स हो गया तो ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हमारे डिक्रीजिंग है। अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए सर धन्यवाद आपका, ये महा घटिया क्वेश्चन है। अभी तो यहाँ पर तुम्हें पहले ढंग के क्वेश्चन करा देता, पहले ये दो क्वेश्चन कर, ये वाला करते हैं रिवर्स में करते हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं पहले जो काम के हैं। अगेन वाई दे रखा है हमको, हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का और ई की पावर माइनस एक्स। भाई अंशुभ ने आंसर भी दे दिया है, मैं तो क्वेश्चन लिखना शुरू करा उसने आंसर दे दिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा सेकेंड एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट एज इट इज, कॉमन आया एक्स ई माइनस एक्स, बच्चा हमारे पास ये मैं करा चुका हूँ, नहीं ये मैंने नहीं कराया, मेरे को तो याद नहीं आता ये मैंने करा चुका हूँ। तो एक बच्चे ने और आंसर दिया है, अब दोनों के आंसर अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे में मैं किसको सही मानू किसको गलत, अब वक्त डिसाइड करेगा। देखो तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, एक दो तीन जगह से आएंगे, जीरो आ जाएगा टू आ जाएगा, इससे कुछ नहीं आएगा। ये क्या आफत है, ये क्या आफत है सुनो भाई, ला सकते हो इससे जीरो करके? अरे ई की वैल्यू क्या होती है बता, पॉजिटिव नंबर की दुनिया में कोई भी पावर ले लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो उसकी कोई भी पावर ले लो, घटिया से घटिया जीरो ले लो माइनस ले लो, आंसर पॉजिटिव आता है, जीरो कभी आ ही नहीं सकता। तो यहां से हमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। ये बात समझ में आई नहीं आई जो मैंने जल्दी से बोली थी अभी?
ठीक है, जीरो है, टू है, टू से बड़ा कोई नंबर सोचो, थ्री सोचो, यहां पुट करो, टेबल बना देते, टेबल बढ़िया रहती है वैसे, टेबल बनाना ठीक रहता है। पहले तो इंटरवल बना लो, फिर डीवाई बाई डी एक्स बना लो, फिर उनका साइन बना लो, फिर नेचर बना लो। आप लोग भी टेबल के आगे डाल लो, एग्जाम में बना के आनी पड़ जाती थी, अब तो खैर एमसीक्यू चल रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरवल, फिर लिखेंगे dy by dx का क्या आ रहा है, फिर यहाँ लिखेंगे साइन कैसा बना, फाइनली फिर यहाँ पे आती है नेचर क्या बनी। ओके, अब इंटरवल है हमारा माइनस इंफिनिटी से जीरो, फिर बना हमारा जीरो से टू। ठीक है भाई अंश, तुम्हारा आंसर गलत था, नव्या का आंसर सही था, बढ़िया, अब तुम्हारा भी सही हो गया। तो माइनस इंफिनिटी से पहले टू से इंफिनिटी के बीच में हमने थ्री सोचा और डीवाई बाई डी एक्स में वैल्यू पुट करी, बहुत बढ़िया। तो थ्री पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो गया। जीरो टू के बीच में वन पुट करा, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, यहां से माइनस वन पुट किया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, ओवरऑल नेगेटिव आया। ठीक है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्या चाहिए, चाहिए क्या, इंक्रीजिंग कब है बता दो, इंक्रीजिंग अपन को तो दिख नहीं रहा, अब दिख गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन सही में आया कि नहीं आया बताओ भाई, क्वेश्चन डन है आपकी तरफ से, यस कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए जनाब बात हो गई डन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, ये प्रूव करना है ये इंक्रीजिंग है, ठीक है इंक्रीजिंग प्रूव करते हैं। वाई इक्वल टू है हमारे पास भाई, बच्चों एक बात और याद रखो, एओडी में आपके पास टॉपिक क्या क्या है जो आपके सिलेबस में है, एक तो ये है जो आपका चल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज, सेकंड टॉपिक इज टेंजेंट नॉर्मल, एंड थर्ड टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, बस फिनिश। तीन टॉपिक है आपके, जिनमें से हमारा एक खत्म होने के कगार पे, भी क्लास खत्म कर देंगे, आज ये खत्म है हमारा। तो वाई का डिफरेंशिएशन करा, और आप ये देखो कि भाई कॉमन तो आ ही रहा है, कॉमन आने के बाद क्या ये हमें विजिबल हुआ कि नहीं हुआ,
सिक्स सेवन क्लास से पढ़ते आ रहे इसको, ट्वेल्थ में ऐसा नहीं है कि कोई पूरा ही चैप्टर डिलीट हो ना, ट्वेल्थ में ऐसा कुछ नहीं, ट्वेल्थ में चैप्टर कम है पहले से ही। आप ये देखो आपके इलेवेंथ में एक बुक में 16 चैप्टर थे, यहाँ दो बुक में ही मिलाकर 13 चैप्टर, या चैप्टर बढ़े हैं डिलीट करने का स्कोप नहीं है, फिर भी बहुत कुछ डिलीट हो गया, बहुत कुछ डिलीट हो चुका है, वरना ये चैप्टर में काफी कुछ था भी। रोल्स थ्योरम हट गई है, लैग्रांस थ्योरम हट गई है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है और ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो आप ये देखो डीवाई बाई डी एक्स हमेशा जीरो या पॉजिटिव होगा, देयरफॉर कैसा आएगा, क्वेश्चन खत्म, स्क्वायर है ना, स्क्वायर होल स्क्वायर ने काम कर दिया। ठीक है, बात समझ में आगे नहीं आई भाई, किसी को दिक्कत हो पूछ लो तो इसमें। नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट लिखो लॉग कॉस एक्स, क्या लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है? पता है नहीं पता? अगर नहीं पता है तो याद रख लेना, वैसे निकलता है ऐसे पर मैं सजेस्ट करूंगा इसे याद रखो, लॉग कॉस एक्स का माइनस टेन एक्स होता है, याद रखिएगा बच्चों इसको। ठीक है, अब ये बताओ इस इंटरवल में फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन एक्स तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ओवरऑल कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। चलो मैं फिर से बताता हूं, अब हम इसे चेक कर रहे हैं, पहले तो जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू में डीवाई बाय डी एक्स हमारा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव तो ये है ही, टेन एक्स की वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, ओवरऑल हमारा नेगेटिव आ जाएगा, देयरफॉर डिक्रीज आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ बच्चों, क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? एक इंटरवल और दिया हुआ है इन्होंने, मुझे दिख नहीं रहा था, हाँ गलत लिख दिया, देखो मैंने, मुझे दिख नहीं रहा था, एक इंटरवल और दिया हुआ है, मोड की वजह से कुछ नहीं होगा, मोड की वजह से कुछ नहीं होगा कि वो लॉक की वजह से लगा रखता है मोड, वो तो लॉक की वजह से लगता है, मोड की वजह से कुछ नहीं होगा। अब आप ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन एक्स कैसा होता है बताओ, टेन एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। आप कहेंगे समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया, ये जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है बिल्कुल, कंसेप्ट क्लियर हो गया, जाते जाते कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन खुद करके दिखाओ, जल्दी से हो जाएगा आप लोगों से, जल्दी से करो इसको, यही रिप्रेजेंटेशन करनी है कुछ है। फिर वो अभी एमसीक्यू की बात करते हो, फिर रिप्रेजेंटेशन की, वैसे यही करनी होती है।
बिल्कुल मनीष, गुड गोइंग बेटा। डन है भाई, जिस जिसको प्रॉब्लम है मुझे प्रॉब्लम वाले बच्चे बता दो जल्दी से, जिस जिसको परेशानी है मुझे बता दो। इसके बारे में बड़ा बोरिंग सा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एंड है वो चैप्टर का एंड है, क्वेश्चन बोरिंग है बस और कुछ नहीं है। अर्जुन बेटा ऑर्डर आने दो, ऑर्डर आते ही करेंगे, विदाउट ऑर्डर हम बेटा फॉलो नहीं कर पाएंगे। तुम ये देखो ना, कॉन्टेक्स्ट विल बी ऑर्डर। हाँ ये सही है, वेरी गुड। अरे मैं बैठा हूँ ठीक है, लेकिन बेटा मैं करता नहीं ऐसे काम। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गया ये? अब ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसे समझना आप जरा, ठीक है? इसे समझो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन समझ के करते हैं। आप बस ये देखो, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है? करते हैं इसको। और जो बात, जो स्टेप समझ में ना आए, इमीडिएटली मुझे बताओ। ठीक है, ये आ गया। आज मैं एक बात देख रहा हूं, सारे बच्चे जान लगा के लगे ही पड़े, चाहे किसी को परेशानी भी आ रही हो, बट आज कोई एग्जिट नहीं कर रहा। क्या मैं ये मानूं कि आप लोगों के समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, और अच्छा करें इसको भी भाई, इसको और अच्छा कर लेते हैं। कह सकते हैं पता है, वैसे इतना सारा हमने पढ़ाई कर ली है ना इस साल भी, कि अब मैं ऑफलाइन में भी कंफर्टेबल नहीं होने वाला आराम से। ऑफलाइन में कंफर्टेबल आने में कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा, क्योंकि अब हमें आदत क्या पड़ गई है, हर बात के बाद सबकी रिएक्शन लेनी है जी। सारे बच्चे वहां पे लिख लिख के मुझे बताते रहते हो आप लोग। ऑफलाइन में इतना स्कोप नहीं होता बोलने का आपके पास, वहां 1-2 बातें तो पूछी जा सकती हैं। घर में बोर हो गए होंगे, ये बात मैं मानता हूँ। मैं डाउट सेशन के लिए कोशिश करता हूँ, चलो कि भाई डाउट सेशन के लिए, जैसी कुछ भी मुझे उम्मीद नजर आती है, मैं डाउट सेशन के लिए, चाहे स्कूल है यहाँ पे, जहां भी होगा मैं करूंगा। ठीक है, वीक में 1 दिन ऐसा हो जाए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड अंशु। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट की बात आती है, तो आप सबने बहुत 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 भाई, विनय तुम यूपी की बात करते हो, दिल्ली की बात करा करो, ये बात बहुत अच्छी बोली है अंशु गौड़। ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन में हम लोग ज्यादा टाइम मिलता है, ज्यादा इंटरेक्शन होता है और कोर्स जल्दी होता है। ये बात सही है, कोर्स तो खैर बहुत जल्दी हुआ है हमारा इसमें। विनय भाई देखो, टाइम वेस्ट नहीं होता। यस भाई देखो, टेक्निकली हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट बनते हैं, पर ये बहुत अभी आते हैं बेटा। शिवम तुम्हारी बात को बताते हैं। अच्छा, ऑफलाइन में अगर छुट्टी होती थी किसी बच्चे की, जो कि जनरली होती थी, उसके पास क्या ऑप्शन होता था बैकअप का? था कोई ऑप्शन उस बच्चे के पास? दोस्त से पढ़ाई, दोस्त की खुद कितना समय में आता है ये तुम्हें पता है, कोई ऑप्शन नहीं होता था। दोस्त की समझ में कितना आता है तुम्हें पता है? मोमोज खिला के दोस्त से पूछना, और
हाँ, वो तो है अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई यहां देखो, पहले ये इन्होंने कहा है कि इस इंटरवल को छोड़ के बताओ, इसको तो छोड़ ही दो। इन्होंने कहा है जो कुछ बताना है, एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, तो इसको भूल के बताओ, तो इसको तो भूल ही जाओ फिर। इसको भूल गए, अब इससे अलग बताना है हमको बाकी एरिया में क्या हो रहा है। तो वन से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, टेबल बना ले, टेबल भाई टेबल बना लेते हैं हमेशा की तरह। एक पहले तो इंटरवल वाली, फिर डीवाई बाई डीएक्स वाली, फिर उनका साइन, एंड देन नेचर, फिर ये, फिर वो, फिर खो। ये ज्यादा बना दिए ना, इतनी की जरूरत थी नहीं। बस यही बताना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, तो हमें ये बताना है क्या आने वाला है। तो वन से इन्फिनिटी के बीच में वो नंबर टू सोचा, टू को यहाँ पुट करो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, माइनस टू को रखा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हो गया प्रूफ। हाँ भाई प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ बताओ बच्चों, भाई प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। आई का मतलब है कि दिस इज, जो रेड कलर से आपका इंटरवल आएगा ना, बिल्कुल जो अब इंटरवल आ रहा है, दिस इज आई, क्योंकि दिस इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। आई मतलब -1 से 1 को छोड़कर जो कुछ है दैट इज आई, तो उसमें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, दिख भी रहा है आपको तो। और एक महा घटिया क्वेश्चन बच रहा है, ये बचा है बस। तो करा देते हैं, ये तो बेकार सही वैसे, चलो करा देते हैं। अब बोर होके सुन लेना बस, ठीक है, परेशान हो गए थोड़ा बहुत पर सुन लेना बस। पीपी चाहिए, पीपी लो भी, ये पीपी लो, करा दे बेटा, लकी करा दे, भी करा। डन, ठीक है, हैव पेशेंस और मैथमेटिकल एबिलिटी को थोड़ा और इंप्रूव करेंगे, सुनेंगे। एफ एक्स का मतलब वाई होता है बच्चों, तो डीवाई बाय डीएक्स कितना आएगा, 100x की पावर 99 आएगा, प्लस में कॉस एक्स आ जाएगा। इस स्टेप में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है,
नहीं है ना? यस, बहुत रिलैक्स लुक है बिल्कुल। मैं आप लोगों से बिल्कुल एक सजेशन लूंगा, मतलब बिल्कुल लाइट कर लो अपने आप को, रिलैक्स हो जाओ, एक्सट्रीम रिलैक्स, कोई थॉट नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को करता, तो अब इस इंटरवल की कोई वैल्यू हमें पुट करनी है। मैंने 1/2 पुट कर दी, ठीक है? नहीं सोओगे नहीं, सोने वाला काम नहीं करवाएंगे। आप ये देखो 100 आएगा, 1/2 की पावर में 99 आएगा, कॉस के साथ 1/2 आएगा। दिस इज नॉट डिग्री, क्योंकि डिग्री मेंशन नहीं है, सो इट्स रेडियन। और बेटा 1 रेडियन जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री, तो ये हाफ रेडियन होने की वजह से अप्रोक्सीमेट 28 डिग्री मान लो। तो कुछ भी मानोगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल मेरा पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ए पार्ट इज डन, इज दिस पार्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर बताओगे? ठीक है, आंसर इसका बहुत घटिया है, आप गैस करो कि घटिया आंसर कौन सा हो सकता है, और देखना यही क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं नहीं मैं नहीं पूछूंगा, नहीं नहीं अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार अर्जुन, समझ गए नव्या? समझ गए बच्चे, समझ गए। नहीं स्कूल वाले नहीं पूछते, एक बार फिर से बताऊं क्या भाई? 0 और 1 के बीच का कोई नंबर सोचा, तो 1/2 सोच लिया हमने, रख दिया। अब ये तो पॉजिटिव ही होगा भाई, 100 पॉजिटिव, 1/2 पॉजिटिव की पावर भी देखो कुछ भी हो पॉजिटिव, कॉस 28 डिग्री पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 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 हो जाएंगे, दैट्स इट। बी पार्ट को देखते, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, और पाई बोले तो 180 डिग्री, और dy by dx। अब यहां देखो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये 1.7 है और ये अप्रोक्स 1.7 है, 1.5 के आसपास, 1.5 है, ये 3.1 है, ठीक है? कुछ भी सोच लो इनके बीच का नंबर, 2 सोच लो, यहां पे भी 2 सोचा है। आप ये देखो, ये तो प्रॉपर पॉजिटिव है, बहुत बड़ा वाला। कैलकुलेट कैसे करें ये 1.5 और 3.1, ये बात सही है बेटा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है ना, ऐसा कैलकुलेट करें, ठीक है? पाई बाय 2 और पाई को ऐसे कैलकुलेट करें। आप ये देखो, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, 2 की पावर 99, इमेजिन, बहुत ज्यादा बड़ा, 2 की पावर 10 ही हो जाता है 1024। और कॉस 2 कितना भी घटिया है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में? क्योंकि 2 का मतलब हो गया 114 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट तो हो ही गया ये। लेकिन कितना भी घटिया है, -1 से तो बुरा नहीं आ सकता ना, नेगेटिव कितना भी हो जाए, कितना भी नेगेटिव हो जाए, फिर भी -1 ही आएगा। और ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ओवरऑल आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। मैं इस बहुत बड़े नंबर में से अगर मैं -1 को भी हटा दूं, आएगा तो आंसर पॉजिटिव ही? यस और नो, यस और नो, यस और नो, बता दो। इसमें दिक्कत हो सकती है अगर होगी किसी को, तो अगर प्रॉब्लम होगी तो इसी में हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी किसी में। यही वो पार्ट है अजीब सा। सी पार्ट, 0 से π/2। अब π/2 का मतलब हो गया फिर से 1.5। अब चेक करो किसकी नेचर, dy/dx की नेचर। अब इसके बीच में 1 रख दिया लो, 100 आया, 1 की पावर 99 करा तो 100 ही आ गया,
और ये cos 1 आया, मतलब cos 57, ये भी पॉजिटिव ही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर है डी। मैंने कहा था बहुत घटिया क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में हमें सीखने को मिला कुछ कि पाई को नंबर की तरह ट्रीट करना, नंबर को पाई की तरह ट्रीट करना। तो डिग्री रेडियन का एक अजीब सा फ्यूजन जो है ना, वो यहाँ सीखने को मिलता है, जो किसी और क्वेश्चन में देखा ही नहीं आज तक। बताओ भाई क्या कहते हो, समझ में आई बात नहीं है? फिर भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर देता है, बहुत अच्छी करता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो मुझे पता था डी हो गया। तुम तो बाबा हर्षिता नंद हो ना, तुम्हें तो सब पता होगा। डन फॉर टुडे। एक क्वेश्चन है छोटा सा, मामूली सा, एक दो लाइन का, कर लेते हैं उसे, कर लेते हैं उसे। एक क्वेश्चन बचा लास्ट। तो वाई दे रखा है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है हर्षित बाबा। या देखो ठीक, वन और टू में इंक्रीजिंग है। अगर मैं dy बाय dx में 1 रखूं तो ये कितना आएगा, 2 प्लस a। और अगर मैं 2 रखूं तो ठीक है, तो कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ए की किस वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, सुन ले अपने ध्यान से। यहाँ पे अजीब सी बात है इसमें, आपको डिसाइड करना क्या जी सी बात है। देखो ये है माइनस का 4, ये है माइनस का 2, ठीक। और इंक्रीजिंग होने के लिए माइनस 2 से ग्रेटर, माइनस 4 से ग्रेटर। तो ये बताओ कि कॉमन इंटरवल कौन सा है, बस खत्म। तो माइनस 2 से ग्रेटर के लिए हमेशा आपका इंक्रीजिंग रहेगा, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, इतना ही है बस। बस मैंने कहा था छोटा सा, एक बार आंसर चेक करना जरा इसका, एक बार आंसर चेक करना, एनसीईआरटी रखी तो एक बार चेक करना आंसर। सेम है, ठीक है ठीक है। मैं ये कह रहा था मैं डीवाई बाई डी एक्स आ गया, 1 के लिए हमको a की वैल्यू मिली माइनस 2 से ग्रेटर, 2 रखने पर हमें a की वैल्यू मिली माइनस 4 से ग्रेटर। तो माइनस 4 से ग्रेटर ही आंसर है, माइनस 2 से ग्रेटर ही आंसर है। अब श्योर, श्योर कहां पर हो? श्योर हमेशा जब भी दो इनइक्वालिटी होती है तो कॉमन इंटरवल इज आंसर, हमेशा कॉमन इंटरवल आंसर होता है। इसमें क्लोज ब्रैकेट है तो डीवाई बाई डी एक्स को 0 क्यों नहीं रखते? हाँ वो भी रख लो, ये लो भाई,
गलती हो गई, ये लो। हाँ गलती हो गई, मैं कह रहा हूँ ना, वो क्लोज ब्रैकेट था, मैंने ओपन से निकाल दिया है। क्या आंसर है? -2 इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, तो आंसर आ गया -2 से इंक्लूड, डन है। इज इट डन? टॉपिक खत्म। टेस्ट की टाइमिंग चेंज कर देंगे, यूनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, यूनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन कॉमन चाहिए होता है। ठीक है,